हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने आपकी जो पोएम है, फर्स्ट पोएम द एंट एंड द क्रिकेट, उसके हमने हार्ड वर्ड्स और मीनिंग्स जाने थे। ठीक है, आज की क्लास में हम इस पोएम को रीड करेंगे, ठीक है, और इसका जो एक्सप्लेनेशन है उसको समझेंगे। तो इसीलिए आप अपनी जो बुक्स है उसको ओपन कर लीजिए और मेरे साथ में कंटिन्यू बने रहेंगे। ठीक है, सो लेट्स कम। सो स्टूडेंट्स, देखिए आपकी ये जो पोएम है द एंट एंड द क्रिकेट, ये आपकी जो बुक है उसमें पेज नंबर 21 पे है। और ये जो आपकी पोएम है, ये जो कहानी है, ये एक फेबल है। और फेबल का मतलब क्या होता है? ए फेबल इज अ स्टोरी। एक जो फेबल होती है वो क्या होती है? कहानी होती है। ऑफन विद एनिमल्स एज कैरेक्टर, और इसमें ऑफन यानी अक्सर क्या होते हैं? जो जानवर होते हैं, एनिमल्स होते हैं, वो क्या होते हैं? इसके कैरेक्टर्स के रूप में होते हैं, यानी पात्र के रूप में होते हैं। जिस प्रकार से इंसान बोलते हैं और उसी प्रकार से जो है ये जानवर भी बातें करते हैं इस फेबल के अंदर। दैट कन्वेज ए मॉरल, और इसके अंदर क्या होता है? एक मॉरल होती है, एक शिक्षा होती है। दिस पोइम, ये जो कविता है आपकी अबाउट एन एंट एंड अ क्रिकेट, ये जो कविता है अबाउट का मतलब है बारे में है। किसके बारे में है ये कविता आपकी? ये जो कविता है आपकी वो एक चींटी के बारे में और एक क्रिकेट यानी एक झिंगूर के बारे में है। कंटेंस एन आइडिया, जिसके अंदर एक क्या है? एक विचार है। ऑफ फार रीचिंग सिग्निफिकेंस, फार रीचिंग सिग्निफिकेंस क्या मतलब होता है? बहुत ही महत्वपूर्ण, इसके अंदर एक क्या है? विचार दिया गया है या एक शिक्षा दी गई है। विच इज एज ट्रू ऑफ फॉर लैग्ड, विच इज एज ट्रू, और ये जो है उसी प्रकार से सत्य है, ट्रू बात है। ट्रू का मतलब होता है सच बात, ये सच है। और फोर लैग्ड क्रिकेट, कि ये जो चार पैरों वाला, फोर का मतलब चार, लैग्ड यानी पैरों वाला जो क्रिकेट यानी झिंगुर है, एज ऑफ ए टू लैग्ड वंस, उसी तरह से क्या है, ये जो दो पैर वाले लोग हैं वो भी किसके समान है? झिंगुर के ही समान है। श्योरली, निश्चित रूप से, यू हैव सीन, आपने देखा होगा आ क्रिकेट, एक क्रिकेट को यानी एक झिंगुर को, दैट हैज टू लेग्स, कि जिसके दो पैर होते हैं। ठीक है ना, ये जो पोइट है वो क्या कर रहा है? एक तरह से कमेंट कर रहा है कि निश्चित रूप से आपने ऐसे झिंगुर को भी देखा होगा जो दो पैरों का होता है। और वो दो पैरों वाला झिंगुर कौन सा होता है? इंसान। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो झिंगुर की प्रवृत्ति के होते हैं, झिंगुर वाले नेचर के होते हैं। देखिए, अब हम पोइम को शुरू करते हैं। सिली यंग क्रिकेट, सिली का मतलब होता है मूर्ख, कि एक मूर्ख यंग क्रिकेट यानी युवा झिंगुर। अकस्टम्ड टू सिंग, अकस्टम्ड का मैंने आपको मतलब बताया था, क्या बताया था? आदि होना या फिर किसी चीज का अभ्यस्त होना। जो एक मूर्ख युवा झिंगर, जो झिंगुर है, अकस्टम्ड, वो अभ्यस्त था या आदि था टू सिंग यानी गाने का, यानी उसको गाने का बहुत शौक था। थ्रो द वार्म यानी गर्म, सनी, थ्रो का मतलब होता है किसी, मतलब पूरे जो गर्मी का समय होता है उसमें, में से, थ्रो वार्म यानी गर्म, सनी मंथ, सनी मंथ का मतलब दोपहले या चमकते हुए महीनों में, यानी जिनमें क्या होती है? गर्मी होती है या फिर सूरज पूरी अच्छी तरह से चमकता है। ऑफ गे समर, गे का मतलब होता है आनंदित कर देने वाली समर, जो गर्मियां हैं उन सभी में। एंड स्प्रिंग, स्प्रिंग का मतलब होता है बसंत का महीना। तो ये जो मूर्ख युवा, मूर्ख जो झिंगुर है, वो क्या था? अभ्यस्त था, आदि था या फिर गाता रहता था, गाने गाता रहता था, मतलब पूरे गर्म, और ये जो दुपहले महीने थे या चमकते हुए महीने थे गर्मियों के और जो बसंत के महीने थे, उन सभी में वो क्या करता रहता था? गाता रहता था, चाहे वो गर्मी का समय हो, चाहे बसंत का महीना हो, चाहे गर्मी का महीना हो, सभी में वो दिन रात क्या करता रहता था? गाता रहता था। बिगेन टू कंप्लेन व्हेन ही फाउंड दैट एट होम हिज कबर्ड वॉज एम्प्टी एंड विंटर वॉज कम। तो वो झिंगुर, चाहे गर्मी का महीना हो, चाहे बसंत का महीना हो,
हमेशा वो गाता रहता था। बिगिन टू कंप्लेन, और उसने शिकायत करना शुरू कर दिया। बिगिन यानी शुरू कर दिया, टू कंप्लेन शिकायत करना। व्हेन ही फाउंड, जब उसने पाया दैट की एट होम, घर पर, हिज कबर्ड, कबर्ड का मतलब यहां पर क्या है, कबर्ड का मतलब है यहां पर जो भंडार गृह है उसका, जो अलमारी है, अलमारी को भी क्या बोलते हैं, कबर्ड बोलते हैं, या जो भंडार गृह होता है वो क्या था उसका, वॉज एम्प्टी, वो खाली था। एंड विंटर वॉज कम, और जो सर्दियां हैं, विंटर है, वॉज कम, वो आज आ गई थी। तो ये जो झिंगुर है ये गर्मी के महीनों में और बसंत के महीनों में हमेशा लगातार गाता रहा, और जब सर्दियां आई और जब इसने देखा कि इसका जो घर था और इसकी जो भंडार गृह था या अलमारी थी वो क्या थी, बिल्कुल खाली थी, तो उसने शिकायत करना शुरू कर दिया। नॉट अ क्रम्ब टू बी फाउंड, और उसको एक क्रम्ब, क्रम्ब का मतलब है यहां पर टुकड़ा या फिर चूरा, जो होता है ना रोटी का टुकड़ा या फिर रोटी का चूरा या उसका एक भी कण, कण क्रम्ब का मतलब कण कह दो, रोटी का या फिर टुकड़ा कह दो या चूरा कह दो, टू बी फाउंड, वो उसको नहीं मिला, एक भी टुकड़ा उसको खाने का नहीं मिला। ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड, स्नो कवर्ड, स्नो कवर्ड, स्नो का मतलब होता है बर्फ, कवर्ड यानी ढका हुआ, ग्राउंड यानी जमीन पर, और चारों तरफ क्या थी, जमीन के ऊपर जो जमीन थी वो बर्फ से कवर्ड थी यानी ढकी हुई थी, और उसको एक भी टुकड़ा खाने का नहीं मिला रोटी का। नॉट ए फ्लावर कुड सी सी, नॉट अ फ्लावर कुड ही सी, और ना ही वो एक जो फूल है उसको देख सकता था। सी का मतलब क्या है, देखना, तो ना तो उसको कोई एक रोटी का टुकड़ा मिला और ना ही वो कहीं पर भी, उसको चारों तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही थी जमीन के ऊपर, उसको एक भी फूल दिखाई नहीं दे रहा था। नॉट अ लीफ ऑन अ ट्री, ना ही पेड़ के ऊपर, ट्री के ऊपर लीफ, लीफ का मतलब पत्ता, जो पत्ते होते हैं उसको एक भी पत्ता दिखाई नहीं दे रहा था। ओह, अरे, व्हाट विल बिकम, कि क्या होगा, व्हाट विल बिकम, क्या होगा, सेज द क्रिकेट, उस क्रिकेट यानी उस झिंगूर ने कहा, वो कहता है, झिंगूर कहता है कि अरे व्हाट विल बिकम, क्या हो गया है ये ऑफ मी, मुझे, मुझे ये क्या हो गया है या फिर मेरा क्या होगा। एट लास्ट, अंत में, बाय स्टारवेशन, स्टारवेशन का मतलब होता है भूख से मरना, भूख लगती है उसको बोलते हैं क्या, स्टारवेशन। एट लास्ट, और अंत में, बाय स्टारवेशन यानी वो भूख के कारण, एंड फेमाइन, फेमाइन का मतलब होता है अकाल, फेमाइन का मतलब होता है अकाल पड़ना, जब ना तो बरसात में का पानी होता है ना ही कुछ खाने पीने को मिलता है। मेड बॉल्ड, वो क्या हो रहा था, बहुत ही ज्यादा हो रहा था भूख से मरते हुए, भूख से और अकाल से मरते हुए। ऑल ड्रिपिंग विद वेट, ऑल ड्रिपिंग, ड्रिपिंग यानी भीगते हुए, विद वेट, वेट यानी गीले अर्थात वर्षा से, और वर्षा से भीगते हुए। एंड ऑल ट्रेम्बलिंग विद कॉल्ड, कॉल्ड का मतलब सर्दी या फिर ठंड से, ट्रेम्बलिंग यानी कांपते हुए, और वो बरसात में भीगते हुए और ठंड से कांपते हुए। अवे ही सेट ऑफ, यानी वो गया टू अ माइजरली एंट, माइजरली यानी कंजूस, एंट यानी चींटी के पास में, और वो बरसात में भीगता हुआ और ठंड से कांपता हुआ किसके पास गया, एक कंजूस चींटी के पास गया। टू सी, ये देखने के लिए या मिलने के लिए, इफ, टू कीप हिम अलाइव, टू कीप हिम, कीप हिम यानी उसे रखने के लिए, अलाइव यानी जीवित। ही वुड ग्रांट, ग्रांट का मतलब यहां पर क्या, देना, ही वुड ग्रांट, शायद वो कुछ दे दे उसको, हिम उसको, शेल्टर फ्रॉम रेन, शेल्टर यानी शरण या आश्रय, फ्रॉम रेन बरसात से, और फिर वो भीगता हुआ ठंड से कांपता हुआ वो एक कंजूस चींटी के पास में जाता है कि वो शायद उसकी मदद कर दे और वो उसको एक आश्रय, उसको आश्रय प्रदान कर सके उसको जीवित रहने के लिए। एंड ए माउथ फुल ऑफ ग्रेन, और वो उसको क्या, मुंह भर के, माउथ फुल का मतलब होता है मुंह भर, उसको कुछ खाने को अनाज जो ग्रेन है वो दे सके। He wished only to borrow. He wished, wished का मतलब होता है चाहना, कि उसने चाहा, किसने, झिंगुर ने,
ओनली टू बोरो, केवल उधार लेने के लिए, बोरो का मतलब होता है उधार लेना, और लैंड, लैंड का मतलब क्या होता है उधार देना। तो उस झिंगुर ने चींटी से उधार लेना चाहा कुछ अनाज, मुंह भर अनाज। ही वुड रिपे इट टुमारो, और वो उसको क्या करेगा, रिपे यानी पुनर्भुगतान कर देगा इसका टुमारो यानी कल। इफ नॉट, और यदि ऐसा नहीं है, ही मस्ट डाई, यदि वो ऐसा नहीं करती अर्थात चींटी उसको ऐसा नहीं करती है, उसको उसकी हेल्प नहीं करती है, तो ही मस्ट डाई कि वो क्या है, मर जाएगा ऑफ स्टारवेशन, भूख से, एंड सोरो यानी दुख से, पीड़ा से। वो और चींटी ने यदि उसकी मदद नहीं की, उसको खाने को नहीं दिया और उसने उसको आश्रय नहीं दिया, तो वो भूख से और दुख पीड़ा से मर जाएगा। उसके बाद है, सेज द एंट टू द क्रिकेट, और फिर जो चींटी है उसने उस क्रिकेट से सेज यानी कहा, क्या कहती है वो उससे, आई एम योर सर्वेंट एंड फ्रेंड, कि मैं आपकी क्या हूं, सर्वेंट नौकर हूं, और नौकर या फिर सेवक, कि मैं तो आपकी सेवक हूं, एंड फ्रेंड और मित्र हूं, मैं आपकी सेवक और मित्र हूं। बट वी एंट्स, लेकिन हम जो चींटियां हैं, नेवर बोरो, वो कभी भी, बोरो का मतलब होता है उधार लेना, कि हम कभी भी उधार, ना तो हम कभी उधार लेती है, वी एंट्स नेवर लैंड, और ना ही हम चींटियां कभी, नेवर यानी कभी नहीं, लैंड यानी उधार देना, कि हम जो चींटियां हैं ना तो कभी उधार लेती हैं और ना ही कभी उधार देती हैं। बट टेल मी, लेकिन मुझे बताओ, डियर क्रिकेट, प्रिय झिंगुर, लेकिन प्रिय झिंगुर आप मुझे बताइए, डिड यू ले नथिंग बाय व्हेन द वेदर वॉज वार्म, कि आपने, डिड यू ले नथिंग, कि आपने कुछ रखा नहीं, बाय नथिंग, ले नथिंग बाय, कि आपने कुछ रखा नहीं, व्हेन द वेदर, कि जब जो मौसम था, वेदर यानी मौसम, वॉज वार्म, कि जब मौसम गर्म था, वार्म था, तब क्या आपने कुछ अपने लिए बचा करके रखा नहीं था। क्वोथ द क्रिकेट, क्वोथ का मतलब होता है कहना यानी सैड, QUOTS, क्वोथ का मतलब, क्वोथ का मतलब क्या है यहां पर, कहा। क्वोथ द क्रिकेट, और उस झिंगुर ने क्या कहा, नॉट आई, नहीं, कि मैंने बचा करके नहीं रखा, या फिर मैंने उसको इकट्ठा करके नहीं रखा। My heart was so light, मेरा जो heart यानी हृदय था या मन था, was so light, light का मतलब है यहाँ पर प्रसन्न, मेरा जो मन था या मेरा जो हृदय था वो बहुत ही प्रसन्न था। That I sang day and night, कि मैंने sang यानी गाया, day and night यानी दिन और रात मैं तो गाता ही रहा, मैंने कुछ भी सेव नहीं किया, कुछ भी बचाया नहीं। फॉर ऑल नेचर लुकड गे, क्योंकि जो ऑल नेचर यानी सारी जो प्रकृति है, लुकड गे, लुकड यानी वो दिखाई देती थी, गे यानी बहुत ही प्रसन्न, और मुझे सारी जो सारा जो नेचर है, सारी जो प्रकृति है, वो मुझे कैसे दिखाई देती थी, आनंदमय दिखाई देती थी। यू सेंग, आपने गाया, सर, श्रीमान, यू से, आप कहते हो। अब चींटी क्या बोलती है उसको, कि यू सेंग, आपने गाया, श्रीमान, यू से, आप कहते हो कि आपने गाया, खूब गाया। गो देन, सेज द एंट, फिर उस चींटी ने कहा, गो देन, तब फिर आप जाओ, है ना, गो देन, एंड डांस द विंटर अवे, और ये जो विंटर का महीना है, ये जो सर्दी का महीना है, इसमें क्या करो, नाचो, ठीक है। जब गर्मी का मौसम था और बसंत का गर्मी का महीना था या बसंत का महीना था, तब तो आप गाते रहे, और अब विंटर आ गई है, तो आप एक काम करो, अब इसमें नाचो। तो पहले तो गाया आपने और अब नाचो। दस एंडिंग, ही हेजिटेटली, हेस्टिली लिफ्टेड द विकेट, दस इस प्रकार से एंडिंग यानी अपनी बात को खत्म करते हुए चींटी ने, ही हेस्टिली, उसने तेजी से क्या किया, लिफ्टेड द विकेट, विकेट का मतलब क्या है यहां पर,
जो छोटा दरवाजा होता है या घर का पिछला दरवाजा होता है, अर्थात चींटियों का घर जो छोटा सा होता है उसको क्या बोलते हैं, विकेट बोलते हैं। तो उसने क्या कर लिया, फटाक से अपना दरवाजा बंद कर दिया या ऊपर उठा दिया। एंड आउट ऑफ द डोर टर्न्ड द पुअर लिटिल क्रिकेट। एंड आउट ऑफ द डोर, आउट ऑफ द डोर यानी दरवाजे के बाहर टर्न्ड वो चला जाता है द पुअर लिटिल क्रिकेट, बेचारा जो छोटा सा क्रिकेट था वो वापस घर के दरवाजे से बाहर चला जाता है। फॉक्स कॉल दिस अ फेबल। फॉक्स FOLKS, इसमें एल साइलेंट है और इसमें जो एल का एल साइलेंट है और फॉक्स का मतलब होता है लोग, ठीक है, या जनता, जो लोग है, जो जनता है। कॉल दिस अ फेबल, इसको क्या कहती है, एक फेबल कहते हैं। और फेबल का मतलब मैंने क्या बताया था आपको, फेबल एक ऐसी स्टोरी होती है जिसके अंदर मोरल होता है यानी शिक्षा होती है, और उसके अंदर जो कैरेक्टर होते हैं, जो पात्र होते हैं, वो कैसे होते हैं, वो जानवर होते हैं या जीव जंतु कीड़े मकोड़े होते हैं। आई शेल वॉरंट इट ट्रू। आई शेल वॉरंट, वॉरंट का मतलब क्या है यहां पर, स्थापित करना या प्रमाणित करना, कि मैं इसको क्या कर दूंगा, यहां पर प्रमाणित कर दूंगा या स्थापित कर दूंगा इट ट्रू, कि ये बात कैसी है, सच्ची है। सम क्रिकेट्स, कि कुछ जो झिंगूर है, हैव फोर लेग्स, उनके क्या होती है, चार टांगे होती है। एंड सम हैव टू, और कुछ झिंगूर ऐसे होते हैं जिनकी कितनी टांगे होती हैं, दो टांगे होती हैं, दो पैर होते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए जो पॉइंट है वो कहते हैं लास्ट में कि फॉक्स कॉल दिस ए फेबल, के लोग तो इसको सिर्फ क्या बोलते हैं कि ये एक क्या है, एक कहानी है, एक फेबल है ना, जानवर जीव जंतु वाली कहानी है। लेकिन आई शेल वारंट इट ट्रू, कि मैं इसको सच साबित कर दूंगा, कैसे, कि कुछ जो झिंगूर होते हैं उनके चार पैर होते हैं और कुछ झिंगूर ऐसे होते हैं जिनके दो पैर होते हैं, और दो पैर वाले झिंगूर कौन से बताए मैंने आपको, जो लोग हैं, जो मैन हैं, कुछ झिंगूर वाली प्रवृत्ति के होते हैं, जो कुछ काम धाम करते नहीं है और जब जरूरत पड़ती है तब मांगने आ जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो आपकी पोएम है ये यहां पर कंप्लीट होती है। मैंने आपके जो हार्ड वर्ड मीनिंग्स है वो भी आपको बतला दिए थे, और इसके जो क्वेश्चन आंसर्स है उसके लिए आपको होमवर्क मिल जाएगा, इसके क्वेश्चन आंसर्स आपको करने हैं इस पोएम के भी, ठीक है। और इसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट सेकेंड चैप्टर है सुनामी वो स्टार्ट होगा, ठीक है। तो यहां पर स्टूडेंट्स, आज की जो क्लास है यहीं पे कंप्लीट होती है। आप इस वीडियो को दो तीन बार देखिए, इस पोएम को दो तीन बार रीड करिए, पढ़िए, आपको बहुत मजा आया होगा और ये बहुत इंटरेस्टिंग आपकी पोएम है, ठीक है। इसका होमवर्क आप कर लीजिएगा, और फिर भी आपको कोई चीज समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप उसे पूछिए, मैं उसका सोल्यूशन आपको बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, थैंक यू।